दुनिया पर बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। इस बर्ड फ्लू वायरस के कम से कम 8 स्ट्रेन फैल रहे हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अगर ये फैले तो अंजाम कोरोना महामारी से भी ज्यादा बुरा होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये खतरनाक वायरस मुर्गियों से फैलने वाला है। आइए जानते हैं पूरा मामला। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में रूस के अस्ट्राखान शहर के पास खेतों में 101,000 मुर्गियां अचानक मरने लगी। जांच के बाद पता चला कि इसके पीछे घातक एवियन फ्लू है और इसका नया स्ट्रेन H5N8 था। ऐसे में इस महामारी को रोकने के लिए पोल्ट्री फार्म में 9,00,000 मुर्गियों को मार दिया गया। पक्षियों से मनुष्यों में फैला H5N8। एवियन फ्लू दुनिया में फैलने वाली एक और महामारी है और H5N8 से उसका एक स्ट्रेन। ये स्ट्रेन हाल के वर्षों में ब्रिटेन सहित लगभग 50 देशों में हजारों मुर्गियों, बतख और दूसरे पक्षियों की मौत का कारण बना। लेकिन अस्ट्राखान की घटना इन सबसे अलग थी, क्योंकि मुर्गियों को मारने के बाद जब खेतों या फार्म में काम करने वाले 150 श्रमिकों का चेकअप किया गया तो उनमें 5 महिलाओं और 2 पुरुषों में ये बीमारी पाई गई। ये पहली बार था जब H5N8 पक्षियों से मनुष्यों में फैला। कोरोना के चलते दब गई दूसरे वायरस की बात। जी हाँ, रिपोर्ट्स के अनुसार इस घटना को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन को अलर्ट किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण उस समय इस पर कम ध्यान दिया गया। हालांकि रूसी संघ के मुख्य उपभोक्ता सलाहकार अन्ना पोपवा ने टीवी पर चेतावनी दी थी कि संभावना है कि H5N8 स्ट्रेन जल्द ही इंसानों में भी फैल सकता है। उन्होंने इसकी वैक्सीन विकसित करने का काम तुरंत शुरू करने के लिए कहा था। बताया गया कि एवियन फ्लू के 8 या इससे अधिक प्रकार हैं, जो सभी मनुष्यों को संक्रमित और मारने में सक्षम है और संभावित रूप से कोरोना वायरस की तुलना में अधिक गंभीर। इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। हालांकि 2021 में इंसानों ने H5N8 से संक्रमित होने की कोई रिपोर्ट यहां पर सामने नहीं आई, लेकिन पिछले हफ्ते चीन से चिंताजनक खबर आई, जहां एक अन्य प्रकार के एवियन फ्लू को H5N6 के रूप में पहचाना गया। नए स्ट्रेन में फैल रहे हैं। H5N6 ने 2014 में पहली बार पहचाने जाने के बाद से 48 लोगों को संक्रमित किया। अधिकांश मामले पोल्ट्री फार्मिंग में काम करने वाले लोगों से जुड़े हुए हैं। हाल के हफ्तों में सभी संक्रमित लोगों में से आधे से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है, जो ये दर्शाता है कि H5N6 स्ट्रेन रफ्तार पकड़ रहा है। साथ ही ये स्ट्रेन परिवर्तनशील यानी म्यूटेशन और बेहद खतरनाक भी है। रिपोर्ट में बताया गया कि इस महीने की शुरुआत में चीन में रोग नियंत्रक केंद्र यानी CDC ने हाल के 2 H5N6 मामलों में कई म्यूटेशन की पहचान की है, जिसके बाद CDC के निदेशक ने कहा कि H5N6 वायरस का प्रसार अब पोल्ट्री उद्योग और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। वायरस का लगातार म्यूटेट होना इसे अधिक ताकतवर बना सकता है, जो इंसानों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। और वायरस विकसित हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस बड़े स्तर पर विकसित हो रहे हैं, जो कभी भी महामारी का रूप धारण कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पोल्ट्री, खेती, जानवर और प्रवासी पक्षियों से ऐसे वायरस फैलने का खतरा बढ़ रहा है। जीव विज्ञानी सैम शेपर्ड का कहना है कि एंटीबायोटिक दवाओं का अति प्रयोग, भीड़ भाड़ और जानवरों के बीच अनुवंशिक समानता, कई बैक्टीरिया, वायरस और अन्य रोगजनकों के विलय, म्यूटेशन आदि वायरसों के मनुष्यों में फैलने के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करती है। जीव विज्ञानी शेपर्ड ने शोध कर बताया कि कैसे जानवरों को एक साथ रखने से कैंपिलोबैक्टर जैसे सामान्य कीड़ों में अनुवंशिक परिवर्तन होते हैं, जो पोल्ट्री, सुअर और अन्य मवेशियों में आम बात हो गई। अब अगली महामारी बेल्जियम में महामारी। विज्ञानी मारियस गिल्बर्ट ने बताया कि कैसे बर्ड फ्लू मुर्गी पालन से जुड़ा हुआ है, जो अब बर्ड फ्लू वायरस को और अधिक खतरनाक बना रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ लंबे समय से औद्योगिक खेती के खतरों के बारे में चेतावनी देते आ रहे हैं, लेकिन जब से कोविड महामारी आई है इस ओर भी लोग का ध्यान गया है। इतिहासकार माइकल क्रेगर ने बताया कि किताब में लिखते हैं कि मानव रोग के 3 युग हो चुके हैं। पहला, जब हमने लगभग 10,000 साल पहले जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया था और खसरा और चेचक जैसी बीमारियों से संक्रमित थे। फिर 18वीं और 19वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति ने मधुमेह, मोटापा, हृदय रोग और कैंसर की महामारियों को जन्म दिया, और अब कृषि गहनता, पोल्ट्री के कारण जो जोनोटिक या पशु जनित बर्ड फ्लू, सालमोनेला, मेर्स, निपा और कोविड-19 जैसी बीमारियों की ओर ले जा रहा है। कहा गया है कि हम नए बर्ड फ्लू वायरस के प्रकोप में एक अभूतपूर्व विस्फोट देख रहे हैं।
जिसने ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ा महामारी जोखिम प्रस्तुत किया और निश्चित रूप से कोविड से भी बदतर होने की संभावना है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। इस तरह की और अपडेटेड खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।